Hello dear engineers, welcome to the online module of Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. तो दोस्तों आप सभी तैयार हो जाइए और बिल्कुल फोकस हो जाइए कि हम चालू करने वाले हैं आज से हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल की क्लासेस, जिसमें कि आप पढ़ेंगे सबसे पहले इस टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल. बार बेंडिंग शेड्यूल के बेसिक डिटेल्स के बारे में आज हम चालू करेंगे हमारा सेशन BBS का. तो आइए गाइस चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल. बार बेंडिंग शेड्यूल एक्चुअल में होता क्या है. बार बेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इनटू रिक्वायर्ड शेप. हमारे पास जो हमारे साइड पे बार्स अवेलेबल होती हैं उसे कट करवाना और बेंड करवाना अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग रिक्वायर्ड शेप में, वो कहलाता है बार बेंडिंग. एंड उसके बाद उसका जो हम शेड्यूल, उसकी जो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में हमें क्या क्या डाटा अवेलेबल होता है वो है लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार, कौन से टाइप का बार यूज हो रहा है, कौन से साइज का बार उसमें यूज हो रहा है, ड्राइंग में जो भी स्पेसिफिकेशन गिवन है उसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना ड्राइंग से, उसके नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करना ड्राइंग्स के रेफरेंस के थ्रू, बेंडिंग डिटेल्स ऑफ बार को समझना कि वो बार किस तरह से बेंड हुआ है, एंड ओवरऑल टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करना पूरे प्रोजेक्ट की ऑफ ईच बार इन अ रेइनफोर्समेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर की पूरी रेइनफोर्समेंट की डिटेलिंग्स को ये जो मैंने लिस्ट यहां पर आपको बताया उसके थ्रू कैलकुलेट करना वो कहलाता है शेड्यूलिंग. तो गाइस इससे हमको ये समझ में आता है कि जो हमारे साइड पर रेइनफोर्समेंट बार अवेलेबल है उसकी कटिंग और बेंडिंग के साथ साथ इन सारी डिटेल्स को ड्रॉइंग के थ्रू कैलकुलेट करना इज कंप्लीटली बार बेंडिंग शेड्यूल. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस ड्रॉइंग. ड्रॉइंग को हमको पढ़ना है, ड्रॉइंग को समझना है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसी ड्रॉइंग से हमें आगे पता चलती जाएंगी. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में. तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हाउ टू रीड सिंबल्स इन ड्राइंग, सिंबल्स को किस तरह से रीड किया जाता है. तो आइए गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो सबसे पहला सिंबल है गाइस हमारा फाई. फाई जो हमारा सिंबल है ये आप देख रहे हैं, फाई सिंबल ये यूज होता है प्लेन राउंड बार. अगर हमारे ड्राइंग में प्लेन राउंड बार लगाए तो प्लेन राउंड बार को शो करने के लिए हमारा फाई सिंबल यूज होता है. इस तरह के स्क्वायर डार्क सिंबल आप देख रहे हैं ये यूज होता है प्लेन स्क्वायर बार को दिखाने के लिए, जो कि गाइस हमारे ग्रिल्स में लगता है. इसे ध्यान से देखना है आपको. आप अपने घर के ग्रिल पर भी जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेन स्क्वायर बार दिख जाएगा. नेक्स्ट सिंबल है हैश सिंबल. हैश सिंबल जो हमारा यूज होता है वो डिफॉर्म बार्स को शो करने के लिए, डिफॉर्म बार्स हमारे FE415 और FE500 बार्स को शो करने के लिए हमारा ये हैश सिंबल यूज होता है. गाइस ध्यान देना है कि जो भी हम यहां पर सिंबल यूज कर रहे हैं ये किसको सिंपलीफाई करता है, ये डाया ऑफ बार शो करता है. फाई हो गया, ये स्क्वायर हो गया एंड हैश हो गया. नेक्स्ट बात करते हैं हम एट द रेट सिंबल की. ये जो हमारा एट द रेट सिंबल है ये यूज होता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग को शो करने के लिए, जो दो बार के बीच की स्पेसिंग है हमारी उसको शो करने के लिए यूज होता है हमारा एट द रेट सिंबल. गाइडिंग प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग की तरफ, जो हमारी ड्राइंग यहां पर आपको एक छोटा सा एक सेक्शन ड्राइंग है, सेक्शनल ड्राइंग यहां पर मैंने बनाया हुआ है. आपको सेक्शनल ड्राइंग दिख रही है, एक बीम का सेक्शनल ड्राइंग है ये. इस पर एक कुछ डाटा लिखा हुआ है यहां पर, अभी हम पढ़ते हैं गाइस क्लियर. यहां पर देखिए आप एक डाटा लिखा हुआ है 5-12-3+2, यहां पर एक पर्टिकुलर डाटा दिखा हुआ है 5-12-3+2. अब ये डाटा क्या कहता है, ये डाटा हमें क्या सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा है गाइस, ड्राइंग्स को रीड करना और उसे अच्छे से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बार बेंडिंग शेड्यूल का, जो कि बहुत यूजफुल है क्योंकि बाकी जो कैलकुलेशन पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इजी. आपको ड्राइंग्स अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है. तो गाइस यहां पर डाटा लिखा है हमारा 5-12-3+2, जिसमें कि 5 यहां पर जो सिंगल यहां पर 5 लिखा हुआ है ये हमें शो करता है नंबर ऑफ बार्स. क्या शो करता है ये हमें, नंबर ऑफ बार्स की, कितने नंबर ऑफ बार्स हमारे इस सेक्शन पर लगे हुए हैं. 5 नंबर ऑफ बार्स से शो कर रहा है कि इस जगह पर ये जो सेक्शन 1-1 यहां पर है बीम के, इस जगह पर कितने बार लगे, 5 बार. उसके बाद डैश 12-12 हमें शो करता है डाया ऑफ बार, कितने डाया का बार लग रहा है यहां पर. करेक्ट गाइस, 12 mm डाया का बार यहां पर हम यूज कर रहे हैं 12-12 जो कि शो करता है डाया ऑफ बार. देन हम बात करते हैं गाइस 3+2, यहां पर 3+2 क्या शो करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस जो कि आपको बीम के बार बेंडिंग शेड्यूल में बहुत कंफ्यूज भी करने वाला है. आप इस चीज को एकदम ध्यान से देखिएगा. जो यहां पर हमारा 3+2 ये शो करता है हमें पोजीशन ऑफ बार, कि जो 5 बार लगी हुई है हमारे इस बीम के सेक्शन पे वो किस पोजीशंस पे लगी हुई है. 3+2 के पोजीशन में 3 बार ऊपर और 2 बार नीचे लगी हुई है. ये क्यों लगी हुई है, क्योंकि अगर हम पांचों की पांचों बार एक साथ लगा देंगे हमारे बीम के सेक्शन पे तो वहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है वो अंदर नहीं जा पाएगा, बार के बीच की स्पेसिंग कम हो जाएगी. तो इस 3+2 की पोजीशन को समझने के लिए आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ड्राइंग पर.
यहां पर नेक्स्ट जो कि आप यहां पर देख रहे 5-12-3+2 उसके बाद नीचे जो हमारी बार दी गई है यहां पर दिया है 3-12 यहां पर कोई भी पोजीशनिंग नहीं दी हुई है इसका खास ध्यान रखना है 3+2 3-12 यहां पर कोई पोजीशनिंग नहीं दी हुई है मतलब कि तीन नंबर ऑफ बार्स तीन बार यूज हो रहा है और कितने डाया का 12 mm डाया का क्लियर गाइस तो अब हम बात करते हैं यहां पर इसके क्रॉस सेक्शन को हम देखते हैं इस तरफ ये जो ब्रीम का सेक्शन है इसका क्रॉस सेक्शन यहां पर मैंने बनाया हुआ है यहां पर क्रॉस सेक्शन पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 5-12 है 3+2 यहां पर भी सेम डाटा है सेक्शन 11 यहां पर मैंने बनाया है उसका 5-12 है 3+2 का यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी बार की पोजीशनिंग है 3+2 हमेशा शो करता है पोजीशन ऑफ बार कि तीन बार ऊपर के पार्ट पर देखिए गाइस यहां पर एक बार ऊपर दूसरी बार तीन बार चौथी बार और पांचवी बार ऐसा 3+2 के पोजीशन पर हमारी बार लगी हुई है तीन बार ऊपर और दो बार जस्ट उसके एंड्स पर नीचे तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 3+2 हमें पोजीशन शो करता है और इनमें से टॉप एक्स्ट्रा और मेन बार कौन सी है वो हम हमारे बीम के केस पे इसे पढ़ेंगे प्रॉपर्ली नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी जो नीचे डाटा गिवन है हमें 3-12 है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है तीन बार लगी हुई है 12 mm डाया की तो तीनों बार इस तरह से प्लेसिंग है क्लियर है गाइस आपको ये सारी चीजें ड्रॉइंग्स पे हमको समझना होता है आगे चलते हैं हम नेक्स्ट और सारी चीजें देखते हैं कि और क्या डाटा गिवन होता है हमारे ड्राइंग पे जो नेक्स्ट डाटा गिवन है वो इस तरह से कुछ डाटा दिया रहता है 8-2lg.ht@130°cent-to-center यहां पर ये जो वैल्यूज दी गई है ये वैल्यू यूज होती है स्टीरअप्स के लिए यहां पर आप देख सकते हैं लाइन से सारे स्टीरअप्स को जोड़ा गया है क्लियरली और उस लाइन को डाटा इंप्लीमेंटेशन करके देखा गया 8-2lg.ht@130°cent-to-center 8 मतलब कि 8 mm का डाया का बार यूज हो रहा है स्टीरअप में 2lg.ht मतलब कि 2-legged स्टीरअप यहां पर हम यूज कर रहे हैं अभी 2-legged स्टीरअप क्या होता है आगे चल के आपको स्टीरअप के केसेस में मालूम पड़ेगा गाइस बहुत आसानी से कि 2-legged स्टीरअप क्या होता है एट द रेट हमने पढ़ा था इसके पहले कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिखाने के लिए शो करता है कि एट द रेट 130 डिग्री सेंटर टू सेंटर जो हमारे मेन स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग है वो कितनी है 130 डिग्री सेंटर टू सेंटर क्लियर गाइस सेम यहां पर हम एक बार और रीड आउट कर लेते हैं 8 शो करता है हमें डाया ऑफ बार शो करता है हमें 8 2lgst हमें शो करता है 2-legged स्टीरअप का ये शॉर्ट फॉर्म है 2lg.ht एंड एट द रेट 130 डिग्री सेंटर टू सेंटर हमें शो करता है स्पेसिंग ऑफ बार की ये जो दो स्टीरअप के बीच की स्पेसिंग है वो कितनी आने वाली है ये सारी चीजें हमें शो करता है क्लियर है गाइस होपफुली ये सारी चीजें ये ड्राइंग्स आप रीड कर पा रहे होंगे प्रॉपर्ली जो भी मैंने बताया इस वीडियो को आप बिल्कुल वापस से देख सकते हैं और एक बार और इसे रिपीट और रिवाइज करके इन ड्राइंग की नेमिंग को और इंप्लीमेंटेशन को समझ सकते हैं क्योंकि गाइस इसे अभी समझ लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करने वाले हैं कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना कुछ अलग अलग शेप्स की किस तरह से कटिंग लेंथ कैलकुलेट की जाती है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिले नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे इंपॉर्टेंट क्रैंक बार की अगर आपको कटिंग निकालना है तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस कटिंग लाइन सबसे पहले हम ये देख रहे हैं हमारा कॉलम है इस कॉलम से ये बीम गई हुई है और यहां पर भी हमारा कॉलम है अब यहां पर जो हमारी बार गई हुई है जो हम यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर यहां से ये बार स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से जाती है यहां पर एक क्रैंक होती है बीम में बार यहां तक फिर ये क्रैंक होकर ऊपर जाती है यहां से जाकर यहां पर ये बार वाइंड अप यहां पर बार फिनिश हो जाती है क्लियर है गाइस जब मुझे अगर इस तरह की बार की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है तो इसकी बार की कटिंग लेंथ कितनी होगी तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस कॉलम के फेस से लेकर ये जो पूरी बार है इसे हम कहते हैं एलडी मतलब कि डेवलपमेंट लेंथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल में डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है कैसे दिया जाता है क्यों दिया जाता है आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे डिटेल पे इसके बारे में चर्चा करूंगा डिटेल पे इसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं एलडी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो होगी एलडी एलडी के बाद यहां पर जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है स्पान लेंथ क्या है हमारी स्पान लेंथ एल एल है हमारी टोटल स्पान की लेंथ एलडी यहां पर देखिए आप फॉर्मूले में एलडी प्लस स्पान लेंथ एल स्पान की टोटल स्पान की लेंथ हमारी क्या है एल क्लियर प्लस उसके बाद यहां पर क्रैंक लेंथ मतलब कि गाइस यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ होती है 1.42h कितनी होती है गाइस 1.42h होती है यहां से लेकर यहां तक की लेंथ लेकिन जब हम टोटल स्पान को कैलकुलेट कर लेते हैं जब हम क्लियर स्पान को लेते हैं हमारे बीम की तो जो हमारे IS कोड पे फार्मूला गिवन है उससे हम कैलकुलेट करते हैं 0.42h ये 1.42h से 0.42h बनने की कहानी मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे ये 1.42h से 0.42 एच तक पहुंच गया ये हमारे एडवांस बार बेंडिंग शेड्यूल में
टॉपिक्स हम इसके बारे में कवर करते हैं कि इसके पीछे की थ्योरी, इसके पीछे की टेक्निक्स क्या है, कि 1.42h से 0.42h में किस तरह से कन्वर्ट हुआ। जब हम स्पान लेंथ को कैलकुलेट करते हैं हमेशा, तो यहां पर जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है 0.42h। क्लियर है गाइस, यहां से यहां तक की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए 0.42h, लेकिन एग्जीक्यूट करते वक्त गाइस इसकी लेंथ वही होगी 1.42h। तो यहां पर हमारा एक 0.42h प्लस यहां पर भी हमारी क्रैंक लेंथ हो गई 0.42h, इसी वजह से मैंने यहां पर इनटू 2 लिखा हुआ है। तो यहां पर अभी तक जो हमारी लेंथ हो गई LD प्लस स्पान लेंथ प्लस ये वाली क्रैंक लेंथ और यहां वाली क्रैंक लेंथ, तो इसका मतलब भी 2 into 0.42h। अब यहां पर बात करते हैं h क्या है। तो h है गाइस यहां पर जो ये आप रिइंफोर्समेंट स्टील देख रहे हैं, इसके टॉप से लेकर इस बॉटम रिइंफोर्समेंट, यहां जो बॉटम पे है रिइंफोर्समेंट उसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम h कहते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं h की लेंथ, यहां से लेकर यहां तक की h की लेंथ है। हम आगे चल के वीडियोस में कैलकुलेट भी करेंगे। क्लियर गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद यहां से यहां तक वापस से जो हमारा कैलकुलेट होगा वो होगा LD डेवलपमेंट लेंथ। नेक्स्ट सेम, तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है इसका, LD प्लस क्लियर स्पान प्लस 2 इनटू क्रैंक लेंथ जो कि है 0.42h, देन उसके बाद आता है LD अगेन जो कि है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। क्लियर गाइस, जब आप ये सारी चीजें कर लेते हैं उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है बेंड डिडक्शन, कि बेंड डिडक्शन हमें क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने बार हमारी ये रिइंफोर्समेंट बेंड हो रही है। तो सबसे पहले यहां पर वो 90 डिग्री बेंड हो रही है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहां से 90 डिग्री बेंड डिडक्शन है। फिर जैसे ये आगे पहुंचती इस तरफ, यहां पर ये बार कितने डिग्री में बेंड हो रही है ये कैसे पता चलेगा? अगर ये बार इस तरह से बेंड नहीं होती तो ऐसे सीधी जाती इस तरह से, लेकिन और 90 डिग्री ये ऐसे बनाता, तो ये 90 डिग्री बेंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये इसके सेंटर पार्ट से जा रहा है, तो ये 45 डिग्री का बेंड बनाता है। क्लियर, यहां जो क्रैंक का जो बेंड होता है वो होता है 45 डिग्री बेंड। तो पहला यहां पर बेंड हुआ हमारा 90 डिग्री, यहां पर दूसरा बेंड हुआ 45 डिग्री, सिमिलरली यहां भी तीसरा बेंड हुआ 45 डिग्री, यहां पर भी चौथा बेंड 45 डिग्री, यहां पर भी बेंड हुआ हमारा 45 डिग्री, और यहां पर जो लास्ट में बेंड हो रहा है ये भी हो रहा है हमारा 90 डिग्री। तो गाइस यहां पर हमारे पास टोटल 6 बेंड आते हैं, जिसमें से दो बेंड ये एक बेंड और यहां पर दूसरा बेंड ये है 90 डिग्री का। तो यहां पर बेंड डिडक्शन का वैल्यू हो जाएगा 2 into 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए हम लेते हैं 2D, 2 into 2D प्लस यहां पर हमारे 45 डिग्री कितने बेंड आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, यहां पर हमारे 4 बेंड आ रहे हैं 45 डिग्री के, मतलब कि 4 into 1D यहां पर हमारी बेंड डिडक्शन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है गाइस। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। हम बात करने वाले इस वीडियो में लैप लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लैप लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, उसकी वैल्यूज क्या होती है और हमें किन किन रेफरेंसेस को फॉलो करना पड़ता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए गाइस सबसे पहले हम जानते हैं और पढ़ते हैं लैप लेंथ के बारे में। तो गाइस लैप लेंथ, जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर जो लैप लेंथ का डाटा हमें, यहां पर जो हम लैप लेंथ की डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं, ओवरलैपिंग लेंथ और लैप लेंथ, ओवरलैपिंग लेंथ भी हम इसे कहते हैं, और लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड फॉर मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ बार्स इन ऑर्डर टू सेफली ट्रांसफर द स्ट्रेसेस फ्रॉम वन बार टू अनदर बार। क्लियर गाइस, अब क्या होता है जनरली साइड पे हमारी 12 mm की बार होती है, और अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम तो एक ही बार में डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी नहीं बन सकता, उसको अलग अलग स्टेजेस पर बनाया जाता है। तो जो हमारी बार है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर कट के छूट जाती है, ताकि हम जो उसको नेक्स्ट स्टेप में यूज या इस्तेमाल कर सकें। क्लियर है गाइस। तो अब लैप लेंथ क्या होती है, क्यों दिया जाता है, और वो लैप लेंथ इसी वजह से दिया जाता है ताकि उसमें जो स्ट्रेसेस हैं उसको सेफली ट्रांसफर किया जा सके जो ऊपर से बाहर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखिए गाइस इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कॉलम की बार एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अगर छूट गई है, अब हमें जो नेक्स्ट बार स्टार्ट करना है इसके ऊपर से, जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का नेक्स्ट स्टेज रहेगा इसके ऊपर चालू करना, तो हम इसी के जस्ट इस पॉइंट से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमें एक स्ट्रेस को ट्रांसफर करने के लिए इसको एक प्रॉपर ओवरलैप प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसे हम लैप लेंथ कहते हैं। तो गाइस इस पॉइंट से लेकर जो पॉइंट जहां तक ये बार छूटी है, उस पॉइंट से लेकर जितनी जो ऊपर से जो रिइंफोर्समेंट आ रही है हमारी, वो इस तरह से L बन के यहां पर नीचे तक जाती है, इस लेंथ को जहां तक एक एंड हुई है और इस पॉइंट से जहां से वो स्टार्ट हुई है, इस लेंथ को हम कहते हैं लैप लेंथ। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, लैप लेंथ इसे हम कहते हैं, और इसकी वैल्यू एज पर IS कोड 456:2000 जो इसकी ओवरलैपिंग लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। लैप लेंथ चाहे आप कोई भी बार यूज करें उससे उसकी वैल्यू 75 mm से कम होनी नहीं चाहिए। लैप लेंथ डिपेंड करती है डायमीटर ऑफ बार पर, जनरली वी टेक 24D से लेकर 40D तक हम वैल्यू यूज करते हैं लैप लेंथ के लिए। क्लियर गाइस, एज पर गिवन साइड कंडीशंस वेयर d इज द डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार हम यहां पर जो 50D और 24D है, यहां पर d है हमारा डाया ऑफ बार, 24D से 50D मोस्टली हम कैलकुलेट करते हैं। लैप लेंथ मिनिमम वैल्यू 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 24D गाइस इससे ऊपर ही रहती है लैप लेंथ। जनरली गाइस मैं आपको बता देता हूं, जो हम साइट में कंस्ट्रक्शन के वक्त यूज करते हैं वो यूज करते हैं 50D, हम 50D यहां पर लैप लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, ताकि ऊपर वाले रिइंफोर्समेंट, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा गाइस कि हम लैप लेंथ ऊपर वाले
वाली बार को ही करें, इस प्रिवेलिंग साइन कंडीशंस के प्रेफरेंस के हिसाब से ही है। आप इस ऊपर वाली बार का को ही लैप करें, नीचे से लैप नहीं आएगा, ये ऊपर वाली बार ही लैप होके इस तरह से जाएगी। और हमेशा ही लैपिंग जो आप देख रहे हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो बार हमारी चलती हुई आ रही है, लैपिंग देखिएगा इस तरफ अंदर तरफ मुड़ के लगा है, ना कि राधा देन इस तरफ बाहर से। अगर मान लेते ये बाहर लगती तो यहाँ पर जो हमारा कवर है कॉलम से, ये जो कवर है, इस कवर की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसी वजह से हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन बार है इससे अंदर ही होके लगती है हमारी क्रैंक बार, इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काइंड ऑफ चेकलिस्ट भी है आपके लिए, जो मैंने अभी आपको बताया है कॉलम के केस पे। क्लियर गाइस, जानते हैं कि लैप लेंथ कॉलम के केस में क्या होती है, किस तरह से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से इसको समझा जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम कॉलम की लैप लेंथ के बारे में बात करते हैं, तो लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉलम बिकॉज बेंडिंग मूवमेंट एट द मिड पॉइंट इज जीरो, सो ट्राई टू लैप एट मिड पॉइंट। तो गाइस जो कॉलम के केस में हमारा जो लैपिंग जोन होता है वो होता है मिड पॉइंट, उसके कॉलम के सेंट्रल जोन पर हमें लैपिंग प्रोवाइड करनी चाहिए अल्टरनेट पैटर्न में। इसका खास ध्यान रखना गाइस, लैपिंग ऑफ बार शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटली, अल्टरनेट लगनी चाहिए, क्योंकि गाइस अल्टरनेट इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर आपका कॉलम फेल होता है बेंडिंग की वजह से तो सारे के सारे लैप एक जगह से फेल नहीं होंगे, वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी वजह से गाइस लैपिंग हमेशा अल्टरनेट होनी चाहिए। कॉलम के केस में जो लैपिंग जोन होता है वो हमारा सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल जोन होता है, सेंटर पर वो लैपिंग प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है गाइस। लैपिंग लेंथ ऑफ बीम के बारे में हम पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि कॉलम और बीम में सबसे ज्यादातर लैप आते हैं और यहां पर हम बहुत बार इंजीनियर्स कंफ्यूज भी रहते हैं। तो गाइस लैपिंग इन टॉप बार अवॉइडेड एल बाय थ्री डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड, फॉर टॉप बार लैपिंग शुड बी एट मिड स्पान। तो गाइस हमें ये समझना है, जो हमारी बीम है, ये जो हमारा बीम का फ्रेम है, बीम की जो टॉप बार्स होंगी गाइस, यहां पर ये जो टॉप बार आप देख रहे हैं, टॉप बार में जो लैपिंग का जोन है वो जंक्शन से एल बाय थ्री और इस जंक्शन से भी एल बाय थ्री छोड़कर लैपिंग आएगा। मतलब बीम के केस में जो टॉप बार है गाइस, पूरी बार नहीं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे, टॉप बार जो बीम में टॉप बार लगती है वो जंक्शन पर नहीं आएगा, जंक्शन से एल बाय थ्री, जंक्शन से एल बाय थ्री डिस्टेंस छोड़कर ही वो लैपिंग लगेगा। क्यों लगेगा गाइस इस तरह से, क्योंकि जो जंक्शन पे जब हम टॉप बार्स की बात करते हैं तो यहां पर नेगेटिव मूवमेंट आता है, यहां पर टॉप में नेगेटिव मूवमेंट आता है हमारे जंक्शन में, इसी वजह से यहां पर बार्स के फेल होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। इसी वजह से गाइस यहां पर जो हमारी टॉप बार है, ऊपर पर जो बार लगी होती है बीम की, उसका जो लैपिंग आता है वो आना चाहिए मिड पॉइंट, सेंट्रल पार्ट पर आना चाहिए। क्लियर गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, लैपिंग इन बॉटम बार शुड बी प्रोवाइडेड एट द कॉलम जंक्शन और एल बाय डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम, बट फेस शुड नॉट बी इन मिड स्पान ऑफ द बीम। ध्यान दीजिएगा गाइस इस बात में, सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉटम पे जो बार लगेगी, नेक्स्ट हम बात कर लिया हमने अभी टॉप बार के बारे में, अब हम बात करेंगे बॉटम, जो बॉटम की बार होगी उसमें लैपिंग कभी भी सेंट्रल पार्ट में नहीं आएगी, उसमें लैपिंग हमेशा जंक्शंस के L/4 के अराउंड आएगी हमेशा, कहीं पर भी आप अगर इसको लैप करते हैं। बॉटम वाले बार्स में कभी भी बीम के केस में सेंट्रल में लैपिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये सेंटर पार्ट इसका टेंशन जोन होता है, जहां से अगर ये बीम फेल होगी तो इसके टेंशन जोन से फेल होना चालू होगी, ये इसका टेंशन जोन होता है। इसी वजह से गाइस यहां पर लैप बिल्कुल भी नहीं देना है आपको बॉटम पे, लैपिंग हमेशा बॉटम वाले बार में बीम के केस में इसके जंक्शंस के अराउंड आएगी, इसका खास ध्यान रखना है। क्लियर गाइस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। भाई ये जानते हैं ट्रायंगुलर स्टेबल का कटिंग लेंथ किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे कॉलम का साइज क्या है, यहां पर हमने साइज लिया 400x350 mm हमारे कॉलम का साइज है। क्लियर गाइस, ये अलग-अलग पोजीशनिंग है हमारे रेइंफोर्समेंट की, जो स्टीरअप के तौर पर यहां पर लगा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं डाटा गिवन है 8-4LGST @130° सेंटर टू सेंटर। क्लियर है गाइस, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2LGST 4LGST, अब हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्लियर है गाइस। अब क्या होता है गाइस, जो हमारा कॉलम है जब उसका साइज बढ़ जाता है और जो उसके मेन बार है जब इसमें मूवमेंट का इफेक्ट ज्यादा होने लगता है, तो हमें क्या करना होता है, बार्स को आपस में और प्रॉपरली शेयर को रजिस्ट करने के लिए हमें और एक्स्ट्रा रेइंफोर्समेंट लगानी होती है। जैसे कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे 2LGST, मतलब कि अगर हमारी सिर्फ सिंगल रिंग लगती है तो हम उसको जो टेक्निकली नाम देते हैं उसे कहते हैं 2-leg disturb, क्योंकि वहां पर दो लेग, मतलब दो ही हुक वहां पर अवेलेबल होते हैं। एक रिंग में हुक कितने होते हैं, दो। इसी वजह से इस दो हुक के वजह से उसे 2-leg disturb कहा जाता है, क्योंकि उसके दो लेग जैसा वो हुक बिहेव करते हैं। क्लियर है गाइस। लेकिन अभी हम यहां पर देख पा रहे हैं इस केस में, यहां पर हमारा एक ये जो रेक्टेंगुलर स्टीरअप है जो हमने पहले कैलकुलेट कर चुका है उस तरह से यहां पर तो एक लगा ही हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर एक ट्रायंगुलर स्टीरअप भी लगा
लगा हुआ है जो इन चार बार्स को आपस में और एक्स्ट्रा बाइंडिंग प्रोवाइड कर रहा है ताकि और शेयर को रजिस्ट कर सके। तो यहां पर गाइस हमारे स्टिरअप कितने लग रहे हैं, यहां पर हमारे दो स्टिरअप लग रहे हैं, एक स्टिरअप है रेक्टेंगुलर और एक स्टिरअप है ट्रायंगुलर। तो यहां पर गाइस इसका नेमिंग जो टेक्निकली होगा वो होगा फोर लेग्ड स्टिरअप, क्योंकि यहां पर हमारे हुक कितने आ रहे हैं गाइस, यहां पर हमें देखना होगा, यहां पर हमारे चार हुक आ रहे हैं, एक दो तीन और एक चार। तो स्टिरअप लग रहे हैं दो और लेग कितने हैं इसके चार। तो इसका जो टेक्निकल नेम रहेगा वो रहेगा 8#4LGST@130°C2 सेंटर यहां पर हमारे। और जानने की बात ये 130 डिग्री सेंटर टू सेंटर का मतलब ये नहीं कि ये रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल के बीच की स्पेसिंग है, दोनों एक ही पोजीशन पर लगेगा। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर वाली स्टिरअप लगेगी उसकी स्पेसिंग गिवन है गाइस यहां पर 130 सेंटर टू सेंटर। क्लियर गाइस, हमने रेक्टेंगुलर स्टिरअप का तो कैलकुलेशन सीख लिया था, अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रायंगुलर स्टिरअप का कटिंग लेंथ किस तरह से किया जाता है और कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले वही स्टिरअप के लिए सेम चीज कि हमें ट्रायंगल का अगर मैं इस पॉइंट से बनाना चालू करता हूं तो मुझे ये एच की वैल्यू चाहिए हाइपोटेन्यूस, फिर मुझे ये ए की वैल्यू निकालनी है, देन आफ्टर वापस से मुझे ये एक एच की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इसका भी रेक्टेंगल का सॉरी ट्रायंगल का पेरीमीटर यहां पर चाहिए, उसकी जरूरत है मुझे। तो उसके बाद हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं प्रॉपरली। सबसे पहले मुझे एच निकालना होगा उसके लिए। तो एच कैलकुलेट करने के लिए जैसे कि हमने यहां पर डायग्राम में बना हुआ है, इसके सेंटर पार्ट से लेकर इस स्टिरअप के सेंटर तक का डिस्टेंस है हमारा बी, इसको हम बी कहते हैं, और यहां के सेंटर से लेकर इस स्टिरअप के यहां इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा ए। ये ए और बी का डिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है। अब मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो मैं हाइपोटेन्यूस निकाल सकता हूं गाइस आसानी से। करेक्ट, सही सोचा आपने, पाइथागोरस थ्योरम ही यहां पर यूज होने वाला है। तो यहां पर जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो मुझे बेस के लिए ओवरऑल इस टोटल ए में से सिर्फ ये हाफ ए बाय टू की ही जरूरत है। तो जैसे ही मैं इसको हमारे पाइथागोरस थ्योरम में पुट करता हूं तो गाइस यहां पर देख सकते हैं आप एच की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो रूट ओवर ए बाय टू का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से जब मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो ए और बी की वैल्यू पहले मुझे निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं, तो 400 हमारी टोटल विड्थ है इस साइड की कॉलम की, माइनस 40 दोनों साइड से कवर, 40 mm यहां से भी 40 mm कवर माइनस, और माइनस दोनों साइड से कवर। यहां से इसका हाफ हमको डाया माइनस करना है स्टिरअप का, और यहां से भी हाफ डाया स्टिरअप का माइनस करना है जो कि यहां पर -4 और -4। यहां पर हम देख सकते हैं बहुत आसानी से ए और बी, तो अब आप कैलकुलेट करना सीख ही गए होंगे आसानी से, ए और बी कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है गाइस। अब हम बात करते हैं पर बी को कैलकुलेट करने का, तो टोटल इस साइड की जो हमारी विड्थ तक कॉलम की वो है 350 माइनस ऊपर का कवर 40 नीचे का कवर 40, यहां से स्टिरअप का हाफ डाया 4 और यहां से स्टिरअप का हाफ डाया 4 क्योंकि हमारे स्टिरअप का टोटल डाया कितना है 8। तो यहां से मुझे ए और बी की टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। अब इससे इस वैल्यू को जब मैं एच की वैल्यू में पुट करूंगा यहां से आंसर निकाल के हम हमारी कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कटिंग लेंथ के लिए क्या फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कटिंग लेंथ के लिए हमारा फार्मूला है 2h + a + हुक लेंथ। ये जो हमारा ट्रायंगुलर स्टिरअप के लिए फार्मूला रहेगा कटिंग लेंथ के लिए वो रहेगा 2h, मतलब कि 2 हाइपोटेन्यूस, एक ये एच और एक ये एच, प्लस ये टोटल ए का वैल्यू यहां पर रहेगा हमारा, प्लस हुक लेंथ, ये जो दो हुक हमारे यहां पर बने हुए हैं। क्लियर है गाइस। तो जैसे ही मैं इन पूरे वैल्यूज को एच के वैल्यू में पुट करता हूं तो यहां से मेरा आंसर आता है 305 mm, मतलब कि जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ये हमारी यहां पर कैलकुलेट होती है 305 mm। क्लियर है गाइस। इस वैल्यू के बाद जैसे ही मैं हमारे आंसर को मेरे वैल्यूज में पुट करता हूं तो 2 × h मतलब 305 प्लस a का वैल्यू जो कि है 312, यहां से हम कैलकुलेट कर चुके हैं 312, प्लस हुक लेंथ, यहां पर हमारे दो हुक यूज हो रहे हैं और एक हुक कितने डिग्री में बेंड है 135, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली 12d। 135 डिग्री हुक के लिए हम कौन सी वैल्यू लेते हैं 12d, तो हमने यहां पर किया हुआ है 2 × 12 × 8 जो कि आंसर आता है 114 mm। ये हमारी कटिंग लेंथ होती है हमारे ट्रायंगुलर स्टिरअप की। क्लियर है गाइस, अगर आपको ट्रायंगुलर स्टिरअप मिलता है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके आपकी वैल्यूज को चेंज करके ट्रायंगुलर स्टिरअप की कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग, इसके बारे में हम ये हमारा सेशन रहेगा। तो जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ड्रॉइंग्स, कि ड्रॉइंग को किस तरह से रीड आउट करना है। तो गाइस यहां पर कुछ एक फुटिंग का प्लान एंड फुटिंग की टेबल गिवन है जिसको हमको रीड आउट करना आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो गाइस ध्यान से देखिएगा।
ये जो गाइस हम यहाँ पर फुटिंग का प्लान देख रहे हैं, यहाँ मुझे दो डायरेक्शन पे बार दिख रही है, एक दिख रही है आर ए जिसकी नेमिंग गिवन है इस तरह से, जो ए जो हमारी विड्थ है उसके अलोंग लगी हुई है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी बी विड्थ, उसके अलोंग लगी हुई आर बी वाली बार, क्लियर है गाइस। इस प्लान पर हम अच्छे से देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आर ए वाली बार इस तरह से अलोंग ए डायरेक्शन के में लगी हुई है और बी डायरेक्शन के अलोंग लगी हुई हमारी आर बी वाली बार, क्लियर है गाइस। और यहाँ पर एक सेक्शन कट हुआ है, वन वन सेक्शन, वन वन कटा हुआ है यहाँ से, इस तरह से हमारा फुटिंग के लिए सेक्शन वन वन कटा हुआ है। इससे हमको आगे हेल्प मिलेगी कि जब हम सेक्शनल ड्रॉइंग देखेंगे हमारे फुटिंग का, तो समझ में आएगा कौन सी बार कहां पर लगी हुई, उसकी पोजीशनिंग और प्लेसिंग समझने में आसानी होगी। तो आइए गाइस टेबल पढ़ते हैं और टेबल से जानते हैं फुटिंग मार्क F1, फुटिंग का नाम है हमारी F1 फुटिंग, और यहां पर जो फुटिंग का साइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है A एंड B। A डिस्टेंस कितना है 1800 mm, यहां mm इसीलिए वजह से गाइस ड्राइंग में दिया रहता है कि कौन सा डायमेंशन यूज हो रहा है, तो आपको उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर 1800 mm हमारा डायमेंशन दिया गया है, तो A की जो विड्थ है हमारे फुटिंग की वो है 1800 और लेंथ है हमारे फुटिंग की वो है 1800, दोनों 1800 by 1800 का हमारी फुटिंग है। D1 डेप्थ जो हमारे रेक्टेंगुलर पोर्शन की और हमारे ट्रेपेजॉइडल पोर्शन की, क्लियर गाइस। D1 है 250 और D2 है 150, क्लियर है। यहां पर पेडेस्टल कॉलम की जो हमारी विड्थ है वो यहां पर गिवन है, सॉरी डेप्थ है वो यहां पर गिवन है, वो है 300 mm, क्लियर गाइस। उसके बाद जो हमें देखने और समझने वाली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेनफोर्समेंट, यहाँ पर रेनफोर्समेंट डिटेलिंग किस तरह से दिया हुआ है, क्लियर गाइस। यहाँ हम देख पा रहे हैं 12 phi at 150 सेंटर टू सेंटर, आर ए की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब 12 mm डाया का बार है, क्लियर गाइस, एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, क्लियर। 12 phi मतलब कि आर ए वाली बार, मतलब इस तरह से ये वाली जो बार लगी हुई है इसकी डाया कितना है 12 mm, और इन दोनों के बीच का स्पेसिंग कितना है 150 mm के स्पेसिंग में सारी बार, ये आर ए वाली बार पूरी फुटिंग के अलोंग लगी हुई है, क्लियर गाइस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आरबी का डाटा, वो गिवन है 12 phi at 150 सेंटर टू सेंटर, इसका भी सेम डाटा गिवन है, मतलब कि ये वाली जो आरबी वाली बार है इसका जो हमारा टोटल डाया है वो कितना गिवन है 12 mm, और इसकी जो स्पेसिंग है एक दूसरे के बीच की वो है 150 सेंटर टू सेंटर, क्लियर है गाइस। इसके डायग्राम के बाद और इस टेबल को पढ़ने के बाद हम चलते हैं इसके सेक्शन को रीड आउट करने में। आप बिल्कुल इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आगे आने वाले सेक्शन पे आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए उसे सॉल्व कर सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं इसके फुटिंग का सेक्शन को, कि ये सेक्शन किस तरह से बना हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारी टोटल विड्थ है यहां पर, ये कितनी है, ये हमारी टोटल 1800 की विड्थ है, क्लियर। यहां पर सबसे नीचे फुटिंग के नीचे यहां पर पीसीसी गिवन है, क्लियर। उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहां पर हमारी दो बार गिवन है, ये देखिए इस तरह से कोई एक बार लगी हुई है जो पूरे लेंथ के अलोंग जा रही है। उसके बाद यहां पर एक आप सर्कल देख पा रहे हैं, ये हमारी दूसरी तरह की बार है। अब यहां पर जब हम नेमिंग की बात करते हैं कौन सी बार है, जब हम इसे पहचानने की बात करते हैं, तो यहां पर दोनों बार को डाटा इन सिंप्लीफाई करते हुए आर ए एंड आर बी गिवन है, और हम ये नहीं पहचान सकते अभी कि आर ए कौन सी है और आर बी वाली बार कौन सी है। अभी तो गाइस डाटा सेम है, इसी वजह से परेशानी ना हो, लेकिन आगे चल के अगर डाटा डिफर होता है, और मोस्टली डाटा बहुत प्लेसेस पे डिफर करते ही है, तो उसको किस तरह से पहचानेंगे हम प्लान की हेल्प से, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि मैं देखता हूं आर ए इस तरह से लगा हुआ है, और ये जो हमारा सेक्शन ये जो बना है ये सेक्शन 1-1 बना हुआ है, क्लियर। ये सेक्शन 1-1 का दिखा रहा है कि ये इस तरफ आर ए के लेंथ के अलोंग देख रहा है, तो जब मैं इसके लेंथ यहां से देखूंगा इस सेक्शन के अलोंग, तो मुझे क्या दिखेगा, आर ए का लेंथ दिखेगा, क्लियर। आर ए वाली बार है उसका लेंथ दिखेगी, और ये जो आर बी वाली बार है वो जैसे कि यहां पर सेक्शन कटा हुआ है, तो ये मुझे कैसे दिखेगी, इसके डाया के हिसाब से दिखेगा बस, क्लियर है गाइस। तो सिमिलरली इसी रेफरेंस के फॉलो करते हुए हम चलते हैं हमारे सेक्शन की ओर, क्रॉस सेक्शन की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हां यहां पर हमारे पास दो बार मौजूद है। सबसे पहले एक ये जो पूरे लेंथ के अलोंग लगी है, उसके बाद ये जो हमें केवल बार का डाया दिख रहा है। तो गाइस जैसे कि हमने हमारे सेक्शन से हेल्प लिया कि अगर मुझे लेंथ दिखेगी तो लेंथ दिखने वाली आर ए की, इसका मतलब कि ये जो सबसे नीचे वाली जो बार लगी हुई है, जो सबसे पहले लगेगी फुटिंग मैश पर, वो रहेगी हमारी आर ए वाली बार, और ये जो आर बी वाली बार है उसका हमें डायमीटर बस दिखने वाला है, तो कि ये हमें डायमीटर यहां पर दिख रहा है बहुत अच्छे से। तो यहां हम बता सकते हैं कि जो लेंथ के अलोंग लगी है ये वाली, ये हमारी आर ए वाली बार हो गई, और ये वाली बार जो लगी है हमारी आर बी वाली बार हो गई। तो गाइस इसको ध्यान से देखना है और समझना है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा D1, जो वहां डेप्थ D1 लिखा हुआ था टेबल में। तो गाइस इस जो रेक्टेंगुलर फुटिंग है उसका डेप्थ है हमारा D1, जिसकी 250 हमारी डेप्थ गिवन है, हमने टेबल से रीड आउट किया उन वैल्यूज को, क्लियर गाइस। इसको रीड आउट करने के बाद हम चालू करते हैं फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल का कैलकुलेशन। सबसे पहले ड्राइंग को हमने समझ लिया, ड्राइंग को समझने के बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी होती है हमारे फुटिंग के बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए। तो आइए सबसे पहले उसे रीड आउट करते हैं गाइस। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होंगी। बस फुटिंग के लिए आपको ये 6 वैल्यूज निकालना बहुत जरूरी है। अब इन 6 वैल्यूज को ही निकाल के पूरे फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल बना सकते हैं।